हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? एंड स्वागत है आपका मेरे राधे आलिमन चैनल पर। जय महादेव। और कैसे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना, शायद मैं अभी एक बार पूछ चुकी हूँ। एक्चुअली आज का टॉपिक जो बहुत ही फनी है, बहुत अलग टाइप का टॉपिक है। आपको पता है इस टाइम यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंड कर रहा है? वैसे तो आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से जो है एक हैशटैग है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है यूट्यूब पर, वो है रसोड़े में कौन था। टाइटल सुनकर हंसी आ जाए एंड चढ़ा दिया टाइप। बहुत से लोगों ने देखा क्योंकि होगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा है ये वीडियो, उनके लिए मैं बना रही हूँ, ज़रूर देख लें। अब पता नहीं मैं नाम भूल गई हूँ, अभी मैंने उनका कुछ नाम बहुत अच्छा था, याद था, सही से नहीं याद है तो मैं गलत नाम नहीं लूँगी। यूट्यूबर ही हैं और उन्होंने इतनी अच्छी एडिटिंग करी है इस टाइटल की, रसोड़े में कौन था। ये टाइटल लिया है उन्होंने साथ निभाना साथिया से, ठीक है। और क्या एडिटिंग करी है उन्होंने, इतनी अच्छी म्यूजिकल एडिटिंग करी है, जो देखेगा हंस हंस के पागल हो जाएगा। अगर आपको कोई टेंशन है, कोई इरिटेशन है और किसी वजह से परेशान है, यकीन मानिए मेरे कहने पे उनका ये वीडियो जाकर देख लीजिए। मतलब जो है बहुत अच्छा है ये, पता नहीं क्यों मुझे लगा इस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए, बहुत अच्छा है और इस टाइम ट्रेंड में भी है। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बना लेती हूँ इस टॉपिक पर वीडियो। बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा भी टॉपिक है, तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा उनका, रसोड़े में कौन था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत लोगों ने, बहुत यूट्यूबर ने उनके इस टॉपिक को अपने जो है वीडियो में अपने चैनल पर बनाकर पोस्ट किया हुआ है अलग अलग तरीके से। तो आप ज़रूर एक बार सर्च करिएगा कि रसोड़े में कौन था। वैसे रसोड़े में कौन था, मैं आपको बता दूँ, राशि बहन थी जिन लोगों ने साथ निभाना साथिया देखा है। मैंने भी कुछ एपिसोड देखे हैं, मेरी शादी के पहले से ही ये वीडियो, सॉरी ये वीडियो नहीं, ये सीरियल आने ना स्टार्ट हो गया था। तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी बहुत बड़ी फ़ैन थी सीरियल की। पता नहीं उनको क्यों अच्छा लगता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सच में मुझे ये सीरियल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत ही रोना टाइप का था। और जो गलत होता था और जो झूठ बोलता था उसकी सब मान लेते थे और उसकी सब तारीफ भी करते थे, उसको अच्छा समझते थे और वो अपनी बात भी रख लेता था, कह लेता था। और जो सही होता था उसको सब लोग गलत समझते थे, उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था, वो हमेशा रोता ही रहता था। तो मुझे इस टाइप के रोंदू नाटक बिल्कुल जो है सीरियल वगैरह पसंद नहीं है। तो मुझे, मैंने कई एपिसोड देखे इस सीरियल के, शायद 10-5 देखे होंगे, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस सीरियल को लेकर, साथ निभाना साथिया, किस किस को अच्छा लगता मुझे ज़रूर बताना, और किन किन लोगों को नहीं अच्छा लगता वो भी मुझे ज़रूर बताना। और रिसेंट में भी ये सीरियल आने लगा है, मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को अच्छा लगता है वो जाकर स्टार प्लस पर टाइमिंग सर्च कर लें, क्योंकि मैं टीवी बहुत ही कम देखती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन बीत जाते हैं, अगर मेरी पूछे तो मैं टीवी ऑन नहीं करती हूँ। तो मुझे एक्चुअल टाइम नहीं पता है कि उसका क्या है, लेकिन रात मैंने अभी 2-3 दिन पहले, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टीवी ऑन करी, तो साथ निभाना साथिया आ रहा था। मुझे लग रहा है कि 11:30-12 समथिंग होगा, तो दिन में भी वो आता ही होगा। आप एक बार ही चेक कर लें, या जो सीरियल वगैरह ज़्यादा देखता है उससे पूछ लें। तो जिन लोगों को यह फेवरेट शो हो तो दोबारा से देख सकते हैं साथ निभाना साथिया, और जो लोग नहीं पसंद करते वो लोग मुझे ज़रूर एक्सपीरियंस बताएं अपना। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है रसोड़े में कौन था, वो भी मुझे जरूर बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको मेरी जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय महादेव।